अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख्वाजा निजामुद्दीन सोशल वर्कर, खुसूसन अय्यूब सलमान को मैसेज देना है। अय्यूब सलमान, तुम लोग फलस्तीन को जाते बोल के आप लोग सबको मदद करो बोले, आपको अकाउंट में भी डाले पैसे, लोग कैश भी ला के दिए आपको पैसे, बहुत अच्छी बात है। तो अय्यूब सलमान, तुम लोग सोशल मीडिया के जरिए लिए लोगों से पैसे, तो सोशल मीडिया के जरिए मेरे को आपसे एक सवाल करना है। आप फलस्तीन को तो वहां पर जा नहीं सके, क्यों पूछो? फलस्तीन के पूरे बॉर्डर पूरे क्रॉस कर चुके हैं। आप जाके नजीब को दूसरे एरिया में जाके अय्यूब, वहां पर कुछ लोगों को कपड़े दिला रहा, कुछ पैसे बांट रहा, कुछ पकवान कर रहा, कुछ पानी बांट रहा, बहुत अच्छी बात है। तो अय्यूब सलमान, तुम लोगों को पैसे क्यों दिए मालूम? पब्लिक घर में कपड़े न पहन के बच्चे मासूम, घर में इफ्तारी को सही खा के पी के बच्चे पैसे पूरे जमा करके फलस्तीन को दिए। तुम लोग क्या करे, लोगों के साथ फ्रॉड करे? तुम लोग क्या बोले, फलस्तीन को हम जाएंगे वहां पर मदद करेंगे? तुम लोगों को कितना पैसा आया कितना नहीं आया सबको मालूम है। अय्यूब सलमान, तुम लोगों से अदबन गुजारिश कर दो, अय्यूब सलमान तुम सोशल मीडिया पे आ जाओ, आके बोलो हमको बैंक में इतना पैसा आया, हम फलस्तीन को हम ना जा सके, हम दूसरी मुल्क को जाके हम मदद कर रहे। अगर बाबा दूसरे मुल्क को जाना है तो कोई रोड पे चलने वाले को भी अगर उसका पासपोर्ट रहा टिकट लगा तो उन्हें भी जाके मदद कर लेता, क्यों? सबको मालूम है तुम लोगों को फलस्तीन कैसे पैसे दिए। और एक क्या करे तुम लोग, वो छोटा बच्चा घास खा रहा, वहां खाने को खाना नहीं है बोले, वो 2 साल पुरानी वीडियो है, सुने? नाना नगर में जो टैंक डाले आप एक बड़ा, वहां पर बच्चों को टी शर्टा पहनाए आप, आपके नाम से, आपके नाम से क्यों पहनाए हुए टी शर्टा? अब फलस्तीन को जा रहे बोले ना, फलस्तीन में आप लोग खाना खिलाते खुद वहां पर बच्चों को आपके फोटो लगा दे रहे पोस्टर, वहां पर आपके कपड़े पहना दे रहे बच्चे को नाम के, एक HYC का पोस्ट लगा दे रहे। HYC को पैसे इसलिए दी वहां पर मदद करो बोल के, आपके फोटो चुपकाओ नक्को बोल के नहीं दी। आप टैंकी पे जाके चुपका दे रहे फोटो, कपड़े की दुकान पे जा रहे, एक तरकारी की पैकेट दे रहे उसके ऊपर आप सलमान अय्यूब की फोटो लगा दे रहे, कई को लगा रहे मेरे भाई? आखिर अल्लाह को क्या बताना है? अल्लाह को राजी रख के मोमिन भाया, हिंदू भाई भी दिया पैसे, ये नहीं हिंदू भाई सिख सिखाई सरदार जी भाई भी दिया पैसे, सुने भाई? क्यों? वहां के हालात खराब है, ये पैसे लेके जाके आप लोग मदद करो। आप लोगों ने करोड़ों रुपए आए, कौन कितने पैसे खाया, कौन कितने लिया कितने नहीं लिया, हमारे ने डाटा है, हमारा मुंह नक्को खुलाओ। उन्हें आ रहा 10 लाख ले ले रहा, उन्हें आ रहा 5 लाख ले ले रहा, उन्हें आ रहा 20 लाख ले ले रहा, उन्हें आ रहा 2 लाख ले ले रहा, ये खबर नहीं रहती नक्को समझो, सबको ने खबर है, इंशाल्लाह ताला वो भी जरिए आएगा। अगर आप मुबीन भाई है, मुसलमान भाई है, अय्यूब सलमान तुम लोग आ जाओ सोशल मीडिया पे, खाली एक ही हिसाब बता दो हमको कितना पैसा आया, बस हम गच्चू बढ़ जाएंगे, आपको हिसाब नहीं पूछेंगे, सिर्फ हमारा ये सवाल है। आप फलस्तीन को जातुम बोल के दूसरे इजिप्ट के एरिया में जाके आप वहां पर मदद कर रहे बोले, तो कोई जरूरत नहीं है बाबा वहां मदद करने की, रोड पे चलने वाला जाके वहां मदद कर देता। तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के लोगों से पैसे लिए तुम लोग, सुने? यहां पर तो कर रहे मगर अल्लाह का ने ये हर चीज की तुम लोगों को पूछे, अगर नाजायज कोई भी अगर 1 रुपया इसका खाएंगा फलस्तीन के नाम के मासूम बच्चों का, बहनों का, बुजुर्गों का, क्यों? क्योंकि मेहनत की कमाई है, जो गरीब है कपड़े पहन के नहीं दिया, सही रोजे का उन्हें इस्तान नहीं कर सके, पैसे दिया तुम लोगों को, बहुत शर्म की बात है। एक तो साहब घर बेच के दिए, किराए के घर में साहब, क्यों? एक मुबीन भाई है सबको फायदा होना बोल के, ये नहीं है भाई कोई नहीं, और हिंदू भाई भी पैसे डाले, तो तुम लोग कपड़े पहना रहे तुम्हारे नाम के, तुम्हारे नाम के टैंका डाल रहे तुम लोग, क्या क्या कर रहे भाई, क्या जरूरत है तुम लोग ने? फिर सोशल मीडिया के जरिए लिए पैसे, तो सोशल मीडिया के जरिए बताओ ना भाई, आपसे पैसों का हिसाब पूछे तो घर में घुस के मारते बोले, घर में घुस के मारे तो बाबा कोई लोगा चुड़िया पहन के न बैठे, खाली घर की औरत हमारा खाली 2 किलो का भगोना लेके खाली सर पे मारी ना, यूं ऐसा घुमड़ा जाना। तुम लगा जो दादागिरी कर रहे ना, दादागिरी न चलने वाली है, याद रखो अल्लाह की जब मार पड़ेंगी ना कभी खुश न रहेंगे। अगर फलस्तीन के नाम से कोई 1 रुपया भी खा रहा मासूम बच्चों का, तो उन्हें भी गुनहगार है, उसके बच्चे उसके बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे, या पालिश का अटैक हो जाएगा, या टक्कर लग के मरेंगे, अगर फलस्तीन के नाम का 1 रुपया कोई भी खाएंगा तो। अल्लाह को राजी रख रहा हूँ, क्यों? लोग मेहनत से पैसे तुम लोगों को दिए, तुम लोगों का भरोसा करे, तो फिर तुम लोग सोशल मीडिया पे आके स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? खाली तुम लोग वहां जाके खिला रहा हूँ, वो खिला रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, ये जाके कपड़े की दुकानों पर ऐसा पैसे यूं बता रहा, अम्मा कितने पैसे यूं गिर रहा उन्हें, अरे क्या जरूरत है तुम लोगों को गिनने की? तुम लोग को लोग देना पब्लिक, तो लोग सवाल पूछेंगे तुम लोग से, कब तक भागेंगे तुम लोग? यहाँ पर तो कर रहे अदालत, अल्लाह की अदालत में तुम लोगों को पूरा हिसाब दिया जाएगा, दोस्तों की आंख में पूछा जाएगा तुम लोगों को पैसा। तुम लोग इमोशनल वीडियो बना के सिर्फ तुम लोग काम होगा पैसे खाने का। अगर तुम लोग में
थोड़ी बहुत अगर हमदर्दी है तो आओ मीडिया के सामने आके हमारे हिसाब बता दो, हम तुम्हारे नहीं पूछेंगे कितना गया पैसा, लोग कितना पैसा खाए, तुम किसको कितना पैसा दिए किसको नहीं दिए, हमारे गने है हिम्मत, हमारे मानने का कोई खौफ नहीं है। मौत का कफन ले लेके हम सर पे फिरते बाबा ये टोपी है, लाही लाही लल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह, मौत का कफन ले लेके शहर में फिरते, शहर में कोई मैका लाल नहीं है, आंखें में आंखें निकाल के हम बात करते क्यों, हम मुमीन मुसलमान है, मुसलमान माने लाही लाही लल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह कलमा पढ़ने वाला भाई है, तुम लोग मासूम बच्चों की वीडियो बना के खाए, याद रखो तुम लोग मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करे, आज मुसलमानों को लोग थूप रहे, सुने तुम लोग बोल रहे वहां पर जाके बोल रहे फलस्तीन के कोई कोने गए, अगर कहीं भी गए तुम लोग बैनरा बना रहे तो वहां की डेट बताओ, बैनर के ऊपर क्या डेट को गए, क्या डेट को आए, क्या डेट को नहीं गए, फिर फलस्तीन को गए तो तुम लोग का स्टैम्प बताओ, पासपोर्ट आ गए, सबको मालूम है मेरे भाई तुम लोग बेखौफ बना रहे, याद रखो कोई तुम लोग से मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरा हक है सवाल पूछने का, मैं सोशल वर्कर हूँ, कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी रस्ते में मिलेंगे तो तुम लोग गिरेवार पकड़ के पूछूंगा ख्वाजा अलीमुद्दीन, सुने अगर ख्वाजा अलीमुद्दीन की अगर मौत लिखी हुई है किस्मत में तो इंशाल्लाह मरूंगा मैं, मगर मैं हक की बात बोलूंगा, क्यों तुम लोग से मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ तुम लोग मुसलमानों का नाम बदनाम करे, लोगों को फ्रॉड करके फलस्तीन के नाम से पैसे लिए, वो बच्चा जो घास खा रहा था वो 2 साल पुरानी वीडियो है तुम लोग का, याद रखो तुम लोगों के साथ जालिम हो, जो जो साथ दे रहा अल्लाह का ने उन्हें भी गुनहगार है, याद रखो जो लोग पैसे दिए ना जाली मास में बैठ के कुरान शरीफ उठा के तुम लोगों को बदवा दे रहे, क्यों बोल तो अमल सही कर लिए, एक यकीदा करके सही तुम लोगों को डोनेट दे दिए, बोलोगा तो अल्लाह का हिसाब लिख ले रहे वहां पर, एक मुबीन भाई जा रहा है ने मदद कर रहा बोल के दिल साफ रख के दे दिए, बोलोगा तो अमल अच्छा होगा, मगर तुम लोगों का अमल बहुत गलीस है, अगर तुम लोग वाकई अगर फलस्तीन को जाते थे वहां पर वीडियो बना के अपलोड करते थे तो पब्लिक गच्चू बैठती थी, मगर फलस्तीन को नया देखते गोली से उड़ा देते वहां पर, मालूम तुम लोग अगर फलस्तीन को अगर जा रहे तो तुम लोग टिकट बताओ पासपोर्ट बताओ, यहां से कितना पैसा आया, कितना वहां पर बांट रहे, खाली कपड़ों की दुकान पे अजीब जाके ऐसा नोटा गिन के अम्मा कितने कितने बोले तो क्या लोग यकीन कर लेते, क्या पानी का वहां पर वाटर पैंक डाल के वहां पर अजीब की फोटो लगा दे रहे, तरकारी की थैली दे रहे, सलमान की फोटो लगा दे रहे, क्या लोग इतने बेखौफ है, बेखौफ नहीं है, याद रखो तुम लोग का जोर अब ज्यादा तुम लोग की दादागिरी चलने वाली नहीं है, याद रखो तुम लोग से सवाल पूछे तो घर में घुस के भागते, वक्त ऐसा आएगा तुम लोगों को अल्लाह की मार ऐसी पड़ेंगी जब तुम लोग फर्स्ट आएंगे, सुना अब पब्लिक इतनी बेजार खच्चू कहीं को बैठी हुई है, मान लोग खाली वक्त का इंतजार कर रहे, याद रखो जो तुम लोग फिर रहे ना 200-200 रुपए दे के लोगों से सेल्फियां मारने लगा रहे तुम लोग, हमारे को नहीं मालूम है, हम पूरी किताब पढ़ते क्यों, हम बड़ी बात नहीं करते, दाल खाना खाते अल्लाह का शुक्र है बोलते, नहीं है किसी का भीख मांग लेंगे हम, मगर हम किसी का लोग डुबाएंगे करेंगे नहीं मेरे भाई, क्यों हमारा बाप सिखाया हमारी किसी का नहीं है बेटा भीख मांग लो, कोई छोटा बड़ा ना होता, तुम लोग जो काम करे ऊपर अल्लाह का ने तुम लोग दोजख की आंख में जाएंगे, याद रखो, सुना तुम लोग से खुश कुछ भी दुश्मनी नहीं है, वाकई तुम लोग अगर ख्वाजा अलीमुद्दीन की आवाज़ तुम लोग तक जाएंगी तो तुम लोग बोल दो अल्लाह के दरबार में ठहर के बोल दो, सुने मक्का मस्जिद के नहीं ठहर के तुम लोग बोल दो, सुने कि हम फलस्तीन के पैसे नहीं खाए बोल के, तुम लोग छुप ले तक फिर भाई हाँ अब सोशल मीडिया पे बोता रहे ना, अब तुम लोग काम धंधा ये छो गया, लोगों के इमोशनल वीडियो बनाओ पैसे खा लो चलियो, तुम लोग वैसा बताए 15,500 गाड़ी का जो बच्चों को दिला रहे हम कैश दिलाए कैश दिलाए, सो मालूम है ये सलमान, याद रखो तुम लोग जो तन रहे ना अल्लाह की मार ऐसी पड़ेंगी, मैं तो ताजुब की नमाज पढ़ के तुम लोगों को बतवा दे रहा हूँ, याद रखो ऐसा दिन आ जाएगा कि पूरी पब्लिक मारेंगी, ये पैसा कहीं काम में नहीं आता, ये पैसा खबर में गए बाद सिर्फ अमल अच्छे आते अमल, याद रखो कोई रोड पे चलने वाले को अगर साथ दे दो सिर्फ उसकी दुआ काफी है, जन्नत के दरवाजे में जाते, तुम लोग ये मेहनत का पैसा गरीबों का तुम लोग फलस्तीन के नाम से खाए, बहुत शर्म की बात है तुम लोग इतना गिरी हुई हरकत करे तुम लोग, अब आके तुम लोग सोशल मीडिया पे जाके नजीब को जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ वहां कहीं को लिए भी वहां, अगर नजीब को जा रहे तो तुम हम दूसरे बॉर्डर को जा रहे तो 1 रुपया नहीं देते, तुम फरे वो 2 साल पुरानी वीडियो डाले फिर तुम्हारे कपड़े पहन के लोगों को टैंका लगा के कहीं को डाल रहे बाबा फलस्तीन के नाम से पैसे दिए ना, याद रखो अल्लाह की मार ऐसी पड़ेंगे तुम लोग जिंदगी भर बिस्तर में पड़ेंगे, मगरिब का टाइम है अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ मक्के के काबे के ठहर के मैं तुम लोग को बतवा दे रहा हूँ, याद रखो तुम लोग जालिम हो तुम लोग का जुल्म नहीं सहेंगे लोग, याद रखो पब्लिक तुम लोग से बदला लेंगी, अगर वाकई तुम लोग अच्छे है तो आके साहब बता दो, अगर ख्वाजा अलीमुद्दीन अगर गलत है बोले ना तुम्हारी चप्पल मेरा सर, कसम खुदा की आके तुम लोगों को नाना नगर करें मेरे चप्पल से सर से मारो मैं लंगा भागता हूँ वहां से यहाँ तक, सुने तुम लोग पूरा हिसाब बता दो कितना पैसा आया कहाँ कहाँ, तुम लोग फलस्तीन को जाते बोल के दूसरे एरिया में डाल के पब्लिक को गुमराह नको करो, पब्लिक उतनी हॉली नहीं है, सुने याद रखो, और वो इरफान को क्या बोल रहे वो इमरान को क्या बोल रहे
दस पांच लाख रुपए ले ले ख्वाजा अलीमुद्दीन गच्चू बैठ जा, ऐसा थूकता है पैसों पे ख्वाजा अलीमुद्दीन। अगर किसके ने भी कहा ना ख्वाजा अलीमुद्दीन पांच दस लाख रुपए कोई भी देता, क्यों? मेरे अमल अच्छे हैं, मेरे लोगों से मैं अच्छे बुरे में साथ रहता हूँ। सुना ये मेहनत का पसीना, कोई वो पसीना नहीं है किसी की हराम का। सुना मेरे को पांच दस लाख रुपए तेरे थूप तुम तेरे, सुना जो चेले चपाटोंगे बोल रहा ना ऐसा थूप तुम पैसों की। सुना याद रख अल्लाह की मार है देर अंदर नहीं है, याद रख अल्लाह सुनिए देर लेंगा मगर अल्लाह बदला लेंगा, याद रख तू। सुना ये पैसा खबर में नहीं आने वाला है, याद रख सिर्फ अमल अच्छे आने वाले। अगर एक गरीब भी अगर रोड पे चलने वाला प्यासा रहेगा उसको पानी पिला देंगे ना तो बहुत बड़ा स्वभाव है उसको। तुम लोग क्या करे मालूम, पानी भी पिला के गरीब के पेट पे लात मारे तुम लोग फलस्तीन के बच्चों के नाम पे, लाशों के नाम पे, बेवाओं के नाम पे। वो मासूम बच्चे की वीडियो बनाए इमोशनल, वो दो साल का घास खा रहा, तो दो साल पुरानी वीडियो। याद रखो अल्लाह की मार नहीं पड़ेंगी तुम लोगों को, सिर्फ वक्त है देर है देर नहीं है। याद रखो जो भी तुम्हारा साथ देंगे उसके साथ अल्लाह है। मैं तो हर दिन अल्लाह से दुआ करूँ नमाज पढ़ के, या अल्लाह इन लोगों को ऐसा बदला ले कि इन लोगों का पूरा तबाह हो जाए लोग। याद रख या बिस्तर पे रहेंगे या तुम लोग टक्कर मर के लगेंगे तुम लोग, या हाथ पैर गिर जाएगा तुम लोगों का, कभी खुश नहीं रहेंगे तुम लोग। मासूम बच्चों के जो हरकत करे ना तुम लोग वाक नहीं रहेंगे। अगर जरूरी भी ईमानदारी है पूरों को बुला के जिस जिसका पैसा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दो तुम लोग। याद रखो जालिमो ख्वाजा अलीमुद्दीन तक कमजोर नहीं है, ख्वाजा अलीमुद्दीन खरीदने ख्वाजा अलीमुद्दीन मौत का कफन ले लेके फिरता शहर में। सुने खाली में हाथ बता दिया बोले तो हजारों की पब्लिक आ जाती, क्यों? क्योंकि मेरा दिल गवारा, किसी भी अच्छा नहीं दिखता, किसी की बेइज्जती करना दिल नहीं बोलता। क्यों? रोड पे चलने वाले को ख्वाजा अलीमुद्दीन साथ देता। याद रखो मासूम बच्चों के तुम लोग इमोशनल वीडियो बना के पैसा लिए, अल्लाह की मार ऐसी पड़ेंगी तुम लोगों को, देर होंगी दरस होंगी होंगा काम। अब तुम दोनों में लड़ाई चल रही है अजय सलमान में, दुनिया को नहीं मालूम है सब मालूम है ख्वाजा अलीमुद्दीन को। जिसके साथ तुम फिरते ना वो मेरे खास दोस्त है, पल पल की खबर देते। सुना अब तेरा अयुब का पेच, अयुब चला ले रहा सलमान का, सलमान चला ले रहा पेच, तुम दोनों में कई को लड़ाई हुई सब मालूम है। इंशाल्लाह वो भी खुलासा करूंगा मैं। अगर वाकई तुम लोग मुसलमान है आ जाओ मक्का मस्जिद में ठहर के कुरान शरीफ उठा के कसम खिला दो, बोल दो मैं भाई हम फलस्तीन के ऐसे पैसे लिए नहीं लिए, तुम लोग बोल दो हम दूसरे मुल्क को नहीं लिए फलस्तीन के ऐसे लिए, हम पैसे नहीं दे सके हम खा लिए, बोल दो लोग माफ कर देंगे। मैं जाके लोगों के पैराम पड़ के एक मुबीन भाई खा लिया बोल के मैं पैराम पड़ लेता हूँ, मगर तुम लोग गिरी हुई हरकत करे। सुने जिंदगी भर याद रहो किसी की हैबत वह खाली नहीं जाती। मासूम बच्चे ईद के दिन कपड़े नहीं पहने वो लोग तुम लोगों को पैसे डाले, मासूम बच्चे जो इफ्तार के ऐसे पैसे रखे थे वो नहीं खा के तुम लोगों को दिए। याद रखो ईद नहीं बना सके बच्चे वो पैसे दिए, मगर कभी हाय बदवा खाली नहीं जाएंगी। एक तो भाई घर बेच के पैसे दिया उन्हें किराए के घर में रह रहा, कभी उसकी हाय बदवा खाली नहीं जाएंगी। याद रखो बालो जालिम हो अल्लाह लिंगा तुम लोगों से बदला। सुना अल्लाह लिंगा मेरे को खरीदने की कोशिश ना को करो। याद रखो ख्वाजा अलीमुद्दीन भीख मांग लेंगे मगर बिकेगा नहीं, याद रखो मेरे भाई तुम लोगों के ऊपर नहीं बिकूंगा, चाहे मेरी जान चले आ दो। अगर मैं मर भी गया कसम खुदा की रोड पे फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह मेरे घर पे मेरे पे मुंह से कलम निकल गया, मैं किबले की तरफ मुंह मेरा रहा, बस मेरे सर पे ताज रहा तो मेरे लिए वही काफी है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मुबीन भाइयों आप लोग जितना से जितना हो गए कमेंट में आप लोग ख्वाजा अलीमुद्दीन गालियां देना है तो गालियां दो मेरे भाई, जो भी गलती भी अगर मेरे से हुई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जज्बात हूँ मेरे भाई, मेरे में कोई नहीं है, कोई इन लोगों से लेना देना नहीं है। मेरा काम है, मैं सोशल वर्कर हूँ, जंगे की चोट पे काम बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर। अभी ऐसे वीडियो आते रहेंगे मेरे भाई, फिर याद रखो ये डालर आ। अल्लाह हाफिज़।